इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। शहडोल विकासखंड बुढ़ार संकुल बल बहरा शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकदा बल बहरा में बरसात के पानी से स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के स्कूल भवन की छत से भारी मात्रा में पानी टपक रहा है तथा फर्श में पानी भरा रहता है, जिससे वहां के बच्चों को बैठने और पढ़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां के स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षा विभाग के द्वारा किसी प्रकार का न कोई सहयोग न सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां पर देखने पर असुविधाओं का अंबार दिखाई देता है। स्कूल में जल भराव होने के कारण बच्चों की बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से कहीं पर नहीं हो पा रही है, जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार हर सुविधा बच्चों के लिए उपलब्ध करा रही है, प्रशासन की सुविधा से वंचित दिख रहा है शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकदा बलबहरा स्कूल। वहीं जब मीडिया ने शिक्षिका से बात करने की कोशिश की तो शिक्षिका ने बताया कि हमने बहुत बार अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी है, फिर भी अभी तक कुछ भी स्कूल के लिए नहीं किया गया, जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे बच्चों के भविष्य को कोई देखने वाला नहीं है और काफी दिनों से ये स्कूल ऐसे ही रहा है, जिससे बच्चों को शिक्षा में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग को पढ़ने में असुविधा होती है? हाँ। काहे के लिए? बारिश होती है तो यहाँ पानी आ जाता है। अच्छा, बारिश होती है तो पूरे स्कूल में पानी भर जाता है। आपने शिक्षकों को बताया? क्या? शिक्षकों को बताया, टीचर को आपने नहीं, नहीं बताया आपने? तो पढ़ने में आपको काफी असुविधा होती है? हाँ। और आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं? हाँ। अच्छा, पानी के यहाँ भराव से है ना? हाँ। कह के लिए छत चूता है आपका? ग्राम पुरसोता है, मैं बलवाहरा की हूँ, ग्राम पंचायत बलवाहरा, पोस्ट बलवाहरा। मेरे गांव के धरती टोला स्कूल में इस हालत है, लड़का बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, पानी चूता है साहब, कोई सुनाई नहीं करता है ना कोई देखता है यहाँ आके। अच्छा, पानी चूता है छत से? पानी चूता है सर यहाँ, बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लोग पानी बरसता है तो गीला में बैठते हैं। आपने सूचना उच्च अधिकारी को दी थी? सूचना मैडम दिए हैं लेकिन सुनता ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी कार्यवाही नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा, काफी टाइम से बच्चे लोग परेशान रहते हैं और पढ़ना लिखना हो नहीं पा रहा है? पानी कितना है? काफी टाइम से ये ऐसा समस्या आ रहा है कि अभी ही? अभी नहीं, बहुत दिन से ऐसा है स्कूल की स्थिति। तो भी अभी बनवाया नहीं गया है? कोई नहीं बनवाया गया। चलिए ठीक है। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।